अम्मी मैं क्यों रो रही जा रही हूँ? मुझसे नहीं देखी जा रही आपकी हालत। आज मैं आपको कमरे में लेके चलती हूँ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये क्या ड्रामा था? मैंने आप दोनों को समझाया था ना, मुझे इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। वो कल की आई हुई लड़की क्या सोचेगी हमारे बारे में? हाँ, तो उस कल की आई हुई लड़की को भी देखने दो ना, इस घर में उसकी सास पे कैसे कैसे जुल्म होते रहे अब तक। अच्छा बस, अब एक लफ्ज और नहीं, और मेरे सामने ये मजलूम बनने की एक्टिंग मत करें आप। सब जानता हूं मैं, तुम्हारा कसूर नहीं है सुल्तान। तुम चाहकर भी औरत को कभी मजलूम नहीं समझ सकते। आखिर खमीर किसका है? सुल्तान, ये सब क्या है? इस वक्त मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और वैसे भी ये मेरे घर का मामला है, इसमें तुम ना ही बोलो तो बेहतर। घर का मामला? मैं आपके बेबी हूँ, मेरी आपसे शादी हुई है, अब ये घर मेरा भी है। इस वक्त मेरा दिमाग वैसे ही बहुत घूम रहा है, तुम सो जाओ जाके प्लीज। फ्लैट तो चाहिए थे मुझे आपने। भाई तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे दुबई लेके जाओगे। अरे नेक्स्ट वीक में ले जाते हैं, अभी जरा मसरूफ हूँ। हर बार तुम्हारे पास कोई नया बहाना होता।
बहुत हो गई है। अरे कुछ भी नहीं होता है यार, चलेंगे नेक्स्ट वीक। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नेक्स्ट वीक दुबई लेके जाओ। चलें पे वादा है, अब तो अपना मूड अच्छा करो। कितनी प्यारी लगती है। तो फिर शाम तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। अरे कहाँ मिलती हो, कहाँ टाइम मिलता है? मैंने कहा ना तुम जाओ, हम मिलेंगे। प्लीज मेरे बाद घर में कौन आया था तुम शिमिल? कोई नहीं। चुप! हाँ कौन आया था? मैं पूछा कौन आया था, बोल। वो दे नहीं दे, भाग जा, छोड़ दे शिमिल, पैसे हेल्प, छोड़ दे बाबा, बाबा प्लीज बाबा छोड़ दे बाबा। बोलते क्यों नहीं कि यार है तेरा, बोल। हाँ यार है मेरा, है मेरा यार, वो मेरा सब लगता है और तू कुछ नहीं लगता, नहीं लगता यार है मेरा। पता तो तुझे, मैं पता तो तुझे, मैं कुछ नहीं पता, नहीं पता, पता पता तो तुझे बाबा, प्लीज बाबा, बाबा नहीं बाबा, प्लीज नहीं बाबा, बाबा और मामा पे हाथ नहीं उठाए बाबा, भूत भी जा रहे थे यार, भूत बाबा। सुल्तान, क्या जरूरत थी अपने बाप को सब बताने की? हाँ पेट में कोई बात नहीं रह सकती, आज तुम्हारा वो हशर करूंगी कि आइंदा ये ज़बान कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहेगी। अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, लगता है नहीं, अम्मी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी अपने बाप से मेरी शिकायत करने की? मैं तो बिल्कुल तैयार, घर आने की जरूरत नहीं, मैं टैक्सी करके आ जाऊंगी, कहा ना बहस करने की जरूरत नहीं, आ जाऊंगी। मामा खाना खाना खाएगा मेरा बच्चा, हाँ बाप आए ना उससे मांगना, नौकर नहीं दूंगा। नाचने के बाद अब कांधे दबा रही, मेरा बस सत्ता है मैं तुम्हारा गला घोट दूं। अरे कोई मौका नहीं जाने देती तुम मुझे, मेरी इज्जत कमाने का अपने बेटे का ही ख्याल कर लो कुछ।
मेरे पांव की जंजीर है। मुसीबत है सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की, हलक का कांटा बन के फंस गया। तो ये हलक का कांटा नचा रहा है तुम्हें शादियों में, और मैं बेगैरत बन के देख रहा हूं तुम्हें। खुश नहीं हूं मैं तुम दोनों के साथ, अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हूं। क्यों पैदा किया था इस मासूम को? हाँ, तुम्हें प्यार नहीं आता है मेरे सुल्तान पे? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं। सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरी जिंदगी की पहली गलती तुम हो अब्दुल मनान, दूसरी और आखिरी गलती तुम्हारा ये सुल्तान। मामा, बाबा मामा कहाँ हैं? बाबा मामा कहाँ हैं? यहाँ क्या कर रहे हो मेरे सुल्तान? तुम्हें तो दुल्हन के पास होना चाहिए। कमरे में सांस घुट रहा था, ताजा हवा के लिए कमरे से बाहर निकला। बेचैनी तो मुझे भी हो रही है, इसीलिए बाहर आ गया। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है।
दिखाए मुझे, क्या हुआ आपको, कुछ खाया आपने? मुझे कौन पूछेगा इस घर में? हाला ने निवाले भरा मना कर अपनी माँ को खिलाया और बजा लेके दोनों ने झूठे मुंह मुझसे पूछ लिया। चलें आप अंदर चलें, कुछ खा लें, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुमने देखा अपनी माँ को? जवानी का उबालीपन नहीं जाता इस औरत का। कौन सी माँ की बात कर रहे हैं? सॉरी यार, भूल गया हूं उसे, लेकिन याद आ जाती है कभी कभी उसको ऑब्जर्व की। लेकिन मैं नहीं भूला और ना कभी भूलूंगा। इनसे किस बात पे झगड़ा हुआ था आपका? वही मंसूर, इसकी वजह से जिससे सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर दिए, उसको फोन करके घर पे बुला लिया इसने, और उसे ऊपर का पोर्शन किराए पे देने की बात कर ली, जिससे मैं सारी जिंदगी मिलने का रवादार नहीं हूं, उसे घर कैसे दे दूं किराए पे? देखा आपने, मैं आपको यही बात समझाता हूं, जब इख्तियार आपके हाथ में है तो आप क्यों कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं? अरे समझा समझा के थक गया हूं इस औरत को कि अपनी उम्र का ख्याल करे, लेकिन नहीं, उसे समझ नहीं आ रही। अरे उम्र बढ़ने के साथ साथ छछोरपन भी बढ़ता जा रहा है उसका। अब बहू आ गई घर में, कल को बेटी की शादी हो जाएगी, दादा दादी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, उसे उसे नहीं समझ आती है। खैर अब वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप उन्हें समझते। आपको भी तो हर छोटी छोटी सी बात नागवार गुजरती है, और जब आपको गुस्सा आता है तो आप ना बड़ा देखते ना छोटा, एहतराम भूल जाते। इख्तियार नहीं रहता ना मुझे। माजी का हादसा आ जाता है आपके साथ। चले अब बस करें, दिल छोटा मत करें। ठीक कहते हैं, बीवी को पहले दिन से ही कंट्रोल में रखो तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। रखोगे ना कंट्रोल? चले अंदर है। क्या मैं आपको आपकी खूबसूरत आंखों में दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं पूरे पूरे। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बता देती, मैं शराफत से मामला आगे बढ़ा देती। क्या कह रही है वो? अचानक से इतनी मोहब्बत, लगता है दाल में कुछ काला जरूर। जी आप कौन? हेलो चार्मिंग हैंडसम। भाईजान की जिंदगी फिर से बात हो जाएगी। मैंने तुम्हें जिस चीज से मना किया था, इस घर की बात उस घर में मैसेज करके मत बताना, तुम फिर वही काम कर रही हो। आपकी बातें मेरे दिल पे नक्श हो चुकी हैं। इस घर की इज्जत आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और मैं इस घर की इज्जत खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, ये लें चैट चेक कर लें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। सॉरी यार, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जहां ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वहां थोड़ा सा शक आ ही जाता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि असरा मेरे और तुम्हारे बीच में स्पेस ना क्रिएट हो, हम दोनों के बीच में और कोई ना आए, कोई भी नहीं। वो तुम्हारा मोटू भतीजा शयान भी नहीं। आज 3 बजे मैं तुम्हें सलोन ड्रॉप करूंगा। हाला मम्मा के साथ जा रही है, इसलिए तुम्हारे पिक एंड ड्रॉप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
और तुम्हें पता है ना, सुल्तान जब किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है तो उसे बखूबी निभाता है। वक्त पर तैयार है। सुल्तान, क्या आपको वाकई मेरी बात पर यकीन नहीं है? कि यकीन की बात कहां से आ गई? तुझसे फैब चेक करा था, देख लो। इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, आप आराम से चेक कर लें। पकड़े। पासवर्ड वाली बात कहां से आ गई? अगर मेरे फोन पे पासवर्ड है तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी एक्टिविटीज मशकूक हैं। और एक बात मुझे बताओ कि अब ये फोन के पासवर्ड तय करेंगे हमारी मोहब्बत की गहराई? मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे लगा शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो क्या है ना, घर में कभी ऐसा हुआ नहीं ना, इसलिए। अच्छा ना, अब अपना मूड तो मत ऑफ करें। शुरू के दिन है, एक दूसरे को समझने में गलतफहमियां तो होंगी ना, और इसका हल ये है कि अगर हमारे दिल में कोई भी बात आए तो हम एक दूसरे से शेयर कर लें। गलतफहमियां दूरी में नहीं ढलनी चाहिए ना। ठीक कह रही हो, मैंने तुम्हारी मर्जी को देखते हुए बाबा को मना कर दिया। मेरे पास कोई टेनेंट वेनेंट नहीं है, पोर्शन जिसको रेंट पे देना है दे दें। जबकि तुम देखो अभी तक अरीबा के मैसेजेस आ रहे हैं। हौसला, रिलैक्स। फिर कोई ऐसी वैसी चीज देख लोगी और मुझसे नाराज हो जाओगी। अच्छा, मेरी नई नवेली दुल्हन मुझे एक कप चाय नहीं पिलाएगी? अभी बना कर लाती हूँ। अच्छा, तुम हॉल में सुल्तान के साथ आओगी या हम लोग पिक कर ले? नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से आ जाइएगा, मैं सुल्तान के साथ आ जाऊंगी। पक्का है ना? क्योंकि 10,000 जिम्मेदारियां उस बेचारे की, अगर कहती हो तो हम पिक कर लेते हैं। होंगी उन पर 10,000 जिम्मेदारियां, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं ही हूँ ना। आप ही है प्रायोरिटी, पता है हमें। चलो ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। ओके भाभी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। वो भाभी की कॉल थी, शाम के लिए पूछ रही थी। भाभी को बता दो कि इस घर में सुल्तान है जो उनकी शहजादी का शौहर भी है और खादिम भी। उनकी शहजादी के एक कहने पे दिन को रात और रात को दिन बना सकता है। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती। एक पल में आप कुछ होते हैं और अगले ही पल में कुछ और। ये तो पागलों की निशानी है, अब इतना मिस्टीरियस भी नहीं हूं। हाँ, थोड़ा मुश्किल है मुझे समझना, क्या करूं, इंटेलिजेंट आदमी है, हर किसी का लेवल नहीं है कि मुझे समझ सके। लेकिन मैं हर किसी नहीं हूं ना, बीवी हूं आपकी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की। ये क्यों साबित करने पर तुली हो कि तुम टफर हो? इतने इंटेलिजेंट आदमी की बीवी
और इतनी ना समझ। जाने के बारे में क्या प्लान है? मुझे पंक्चुअल लोग पसंद है, वक्त का ख्याल रखना। आपके चाय खत्म होने से पहले मैं रेडी हो जाऊंगी। और कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? 30 to 40 minutes लगेंगे, बस हाफ एन आवर। असरा एक बात बोलूं? अगर मर्द पे काबू पाना है ना, तो शादी के शुरू के दिनों में सिर्फ एक बात पे अमल करना होगा, उसकी मर्जी का काम उसकी मर्जी के टाइम पे नहीं करना। इस तरीके से ना सारी उम्र मर्द काबू में रहता। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, सुल्तान बहुत अग्रेसिव है। सॉरी। कोई बात नहीं, आखिर दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है। इट्स ओके, रिलैक्स। मुझे वो देना ब्रश। कितनी देर है? बस थोड़ा सा सब्र करो, घबराओ नहीं, बाल हो गए हैं, बस मेकअप ही है, थोड़ा सा रहता है, बस टचअप ही है। इतनी देर हो गई है, इन्होंने कॉल नहीं की। समझ गए होंगे ना कि दुल्हन को तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना, और अगर अभी तक कॉल नहीं की तो इसका मतलब है वो सुकून से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जस्ट रिलैक्स। लीजिए इसरा, अब आप बिल्कुल रेडी हो, और देखे कितनी प्यारी लग रही हैं। ये रूप भी ना हर किसी पे नहीं आता। आज तो मुझे तुम इग्नोर कर ही नहीं सकोगे, मुझे देखकर तुम्हारा दिल खुद ही झुक जाएगा। मैं आपका सामान रखवा देती हूँ, आप काउंटर पे जाके पेमेंट कर दें। पेमेंट? मेरी पेमेंट तो हो गई है ना? नहीं इसरा, आपकी पेमेंट किसी ने भी नहीं की, आपकी पेमेंट आपको ही करनी है। ओके, सही है। थैंक यू। मैम बाहर तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर ही होंगे गाड़ी में, आपने अच्छे से देखा? जी जी, मैंने अच्छे से देखा, कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई। अच्छा, मैं चेक करती हूँ। हेलो सुल्तान, मैं रेडी हूँ, आप बाहर नहीं है, कहाँ हैं? I'm on my way. अच्छा, कितनी देर में आएंगे? मैं वेन्यू जा रहा हूँ सर। वेन्यू? मुझे यहाँ छोड़कर आप अकेले जा रहे हैं? तुमने खुद ये मौका मिस किया, कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा वहां पे। मैं सुल्तान हूँ, तुम्हारे भाई की कंपनी का कोई मुलाजिम नहीं जो तुम्हारे लिए वेट करता रहूं। लेकिन
अब मैं अकेले कैसे होंगी सुल्तान? तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दी, डायरेक्ट मैं नहीं पहुंच जाना। सुल्तान, असरा कहाँ है? उसे तो तुम्हारे साथ आना था ना। गया था मैं उसे लेने आपके कहने पर, लेकिन वो साथ नहीं आई। मतलब? मतलब ये कि गाड़ी में बैठ के मैंने उसका बहुत इंतजार किया, फोन कॉल्स की, मैसेजेस किए, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और मैं किसी का इंतजार नहीं करता। छोड़ के आ गया। अरे सुल्तान, हो जाता है ऐसे। माना उसके घर वालों ने उसे हाथ का छाला बना के रखा है, मगर उसे तुम्हें अपने साथ लाना चाहिए था। अजीब शख्स हो तुम भी। गाड़ी भेज दी, आ जाएगी। कदर मिसबिहेव के बावजूद आपकी तरफ से ये खामोशी, इसका मतलब कि आपको एहसास ही नहीं कैसे मेरी जिंदगी के सबसे खुश दिन को आपने आंसुओं में डुबो दिया। प्लीज बस बाद में करेंगे बाकी, प्लीज। हाँ, वो लोग घर से निकल पड़े हैं और असरा अभी तक नहीं आए। वो लोग असरा को नहीं देखेंगे ना तो बेइज्जती होगी हमारी और बातें अलग सुननी पड़ेंगी। ये सुल्तान भी ना, इसका गुस्सा हर वक्त नाक पे धरा रहता है। सुल्तान का मिजाज है, ऐसे ही होना चाहिए मत को। और वो लड़की बेजीब है। अरे वो अच्छा भला ऐसी मसला करके बैठ गई, जैसी थी तैयार होके आ जाती तुम लगा देती उसे जो भी अच्छे भले आते तो है तुम्हें सिंगार। मैं कहाँ कर सकती हूँ उसका मेकअप। आ गई वो। वेरी गुड, लेकर आता हूँ। हाँ हाँ प्लीज, शुक्र है। आ जा भाई, फिर टाइम नहीं मिलेगा। बनाओ भाई। जी आप आ जाएंगे। हाँ ये बनाओ ना। हाँ। खुश। हाँ। Come on यार असरा, क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती हो मेरा नेचर कैसा है, मुझे हर काम वक्त पर करने की आदत है। तो फिर इस तरह यहां बैठ के मूड ऑफ करना, ये एटीट्यूड क्यों? यार जो भी मेरा रिएक्शन था वो जस्टिफाइड है ना? तुम मेरी पहली ही कॉल पर बाहर आ जाती, ये सारा इशू क्रिएट ही नहीं होता। ओके, आई गॉट इट। तुम इस तरह खामोश रह के जो जवाबी इंसल्ट मेरी कर रही हो मैं बर्दाश्त कर लेता, और मैं कर भी क्या सकता हूं। आरती को इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, इतने सारे मेहमान आए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं खामोश हो जाता हूं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू। शादी से पहले तुमने क्या कहा था, क्या बातें किए थे? प्रैक्टिकल लाइफ में आते ही तुम भी टिपिकल वाइफ बन गई ना। जब मोहब्बत होती है तो एक दूसरे के रिएक्शंस को बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे का गुस्सा, एक दूसरे का नाराज होना, इन सब चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। क्या चाहती हो? मैं तुमसे कान पकड़ के माफी मांगू? हेलो, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फोन यार, शादी के बाद मियां बीवी में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, इश्यूज होते हैं, लेकिन नाराज होके उन्हें उन इश्यूज को बड़ा नहीं बनाया जाता, बल्कि उन्हें इग्नोर किया जाता है। यार देखो कितने सारे मेहमान आए,
सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। Look at you. You're so beautiful. मेहमान तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। चल Let's go. Come on. Come. आराम से, आराम से। I'll help you come. माशाल्लाह नजरे बतूर किसी कमाल मोहब्बत है ना दोनों में। गुनों की पक्की फरमा बरदार है मेरी बहू, दिल खुश हो जाता है इन्हें देख के। माशाल्लाह। हाय अल्लाह, मुझे तो ख्याल रखने वाला शौहर मिले तो मैं तो घनी शादी कर लूं। माने ना माने रा दिल माने ना माने।